मार्केट में बहुत ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा सेल्फ हेल्प बुक्स हैं। मैंने एक बुक पढ़ी दैट हेल्प, मैंने दूसरी पढ़ी दैट ऑल्सो हेल्प, तो मुझे लगा सारी ही अच्छी होती हैं। मैंने जनरलाइज कर लिया और इस चक्कर में मैंने बहुत ही सारी बुक्स पढ़ ली जिनमें से सिर्फ कुछ ही बुक अच्छी थी। आई एम श्योर आप लोगों के साथ भी ऐसे ही होता होगा, बट अभी बिकॉज मैंने बहुत सारी बुक्स पढ़ ली हैं सो मुझे अब आइडिया है कि कौन सी बुक्स अच्छी हैं कौन सी नहीं। आई नो ऑल द गुड वंस, बस ये बुक्स पढ़ लो एंड यू आर सॉर्टेड। और इनमें भी ऐसा नहीं कि आपको सारी बुक्स पढ़ने की ज़रूरत है, मैं बुक्स के साथ आपको ये भी बता दूंगी चलो शॉर्ट में कि यू नो किस बारे में है ये बुक्स एंड किसे पढ़नी चाहिए और क्यों। सो जो बुक आपको सूट करे आप वाली बुक पढ़ लो एंड देन फॉर द रेस्ट ऑफ द टाइम यू कैन रीड ऑल दिस फिक्शन बुक्स, साइकोलॉजी बुक्स, बुक्स विद ऑसम ऑसम केस स्टडीज एंड ऑल दी सुपर सुपर इंटरेस्टिंग बुक्स। फर्स्ट बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड टू यू गाइस इज वन विद इज सुपर पॉपुलर एंड इट्स रिच डैड पुअर डैड। यह एक पर्सनल फाइनेंस की बुक है, मतलब अपने पैसे को कैसे हैंडल करें, पैसे को कैसे कमाएं, उनके अपने पैसे फिर अपनी कमाई की तरफ, अपने कैरियर की तरफ हमारा क्या माइंडसेट होना चाहिए, हाउ वी शुड अप्रोच मनी, हाउ वी कैन मल्टीप्लाई मनी, ये सब बताया गया है इस बुक में। डेप्थ नॉलेज नहीं है बट ऑल दोज पीपल जिन्हें ज़्यादा फाइनेंस का नहीं पता, स्पेशली पीपल विद साइंस बैकग्राउंड, सो आप ये बुक पढ़ सकते हो ताकि आपको बेसिक नॉलेज मिल जाएगी। ऑल स्टूडेंट्स, यंग ग्रेड्स एंड पीपल हु वॉन्ट टू नो हाउ टू हैंडल देयर फाइनेंसिस, पिक दिस बुक अप। सेकेंड बुक दैट आई एम गोइंग टू रिकमेंड इज एटॉमिक हैबिट्स। हेल्दी हैबिट्स होनी चाहिए ये तो बात सबको पता है, बट क्यों होनी चाहिए इस बुक में आपको एक्सप्लेन किया गया है वो चीज़ प्रॉपरली। आपको इसी के साथ ये भी बताया गया है कि आप अच्छी हैबिट्स को कैसे बना सकते हैं और बुरी आदतों को कैसे छोड़ सकते हैं। ऑल इन ऑल अगर आप किसी भी एरिया ऑफ लाइफ में चेंज चाहते हो, इफ़ यू वॉन्ट टू सक्सीड, इफ़ यू वॉन्ट टू सी हाउ यू कैन बिल्ड अ सिस्टम टू गेट दैट सक्सेस, देन यू शुड पिक दिस बुक अप। नेक्स्ट बुक इज हाउ टू टॉक टू एनीवन। बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, इसमें आपको बताया गया है जैसे कि टाइटल से है हाउ टू टॉक टू एनीवन, एंड इसमें डिफरेंट सिचुएशंस का बता रखा है कि ऑफिस एनवायरनमेंट में सबसे कैसे बात की जाए और डिफरेंट डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में कैसे आप अप्रोच कर सकते हो लोगों को, कैसे आप कॉन्वर्सेशन स्टार्ट कर सकते हो, कैसे आप रिलेशंस बिल्ड कर सकते हो, ये सारी चीज़ें बताई गई हैं इस बुक में। थ्योरेटिकल नहीं है ये बुक, बहुत ही प्रैक्टिकल बुक है, ऐसा नहीं कि बस दे आर पॉइंट्स, डायरेक्टली टिप्स दी गई हैं जो आप सीधे सीधे इंप्लीमेंट भी कर सकते हो। सो अगर आप और ज़्यादा सोशल होना चाहते हो, अपना सर्कल इंक्रीज करना चाहते हो, या फिर इफ़ यू जस्ट वॉन्ट टू बिकम बेटर एट कॉन्वर्सेशन, यू शुड पिक दिस बुक अप। नेक्स्ट इज एटीट्यूड इज एवरीथिंग। And this book is about how you can change your entire life or everything just by changing your attitude. बहुत ही छोटी सी प्यारी सी feel good kind of book है ये। If you see, if you find yourself lashing out at things, if you want to stop that toxic mental loop that keeps going on, then you should pick this book up. Next book is The Secret. Law of Attraction के बारे में बताया गया है इस book में, manifestation के बारे में बताया गया है, but it is not just another manifestation book. Really good. And this book will give you lots of positive vibes. अगर आप जानना चाहते हो, if you want to know how to manifest your dream life, do read this book. Next is The Things You Can See Only When You Slow Down. बहुत ही ब्यूटिफुल सी प्यारी सी बुक है अबाउट लाइफ, अबाउट स्लोइंग डाउन, अबाउट enjoying our life while we are still here. इस बुक की एक बहुत अच्छी बात यह है कि आप ये बुक कहीं से भी पढ़ सकते हो। एक तो आज के रेट रेस में, कॉम्पिटिशन में, एवरी वन इज सो एंशियस, so if you want more calmness in your life, more peace, mental peace, if you just want to relax for some time, you can pick this book up and read it. Next one is Outliers. Success की एक बहुत ही सिंपल सी डेफिनेशन हम लोगों ने अपने माइंड में बना ली है, एक ही बहुत सिंपल सा प्रोसेस हमारे माइंड में सेट हो चुका है कि ना ऐसे ऐसे करके ही लोगों को सक्सेस मिलती है, एंड इसी चीज़ को ये अपने इसी मेंटल डेफिनेशन को तोड़ने के लिए आपको ये बुक पढ़नी चाहिए। Reading this book, you will realize how success is not at all what meets the eyes and it will open your eyes. So all the people who are striving to become something or all the people who want to get success, pick this book up. It might not tell you how to succeed, but it will definitely give you some perspective. Next is The Power of Now. हम लोग बहुत ज़्यादा question करते हैं life को कि you know why we are doing this or why do we have to work. Or we try to find the meaning of life and all those things. So if you also do that, then reading this book will definitely give you some answers. Other than that, if you keep regretting your past, if you hold grudges and resentments, if you do not have mental peace, if you don't get proper sleep, if you constantly worry about the future, then also this book is going to be a big help to you.
इस बुक को उठाओ और पढ़ लो. दिस इज़ वन ऑफ माई फेवरेट बुक. और अगर आप इस बुक को ढंग से पढ़ लोगे तो यू विल लाइक यू विल नो हाउ टू डील विद एवरीथिंग एंड यू विल ऑल्सो रियलाइज कि कोई चीज़ें इतनी बड़ी नहीं होती एज मतलब जितना हम लोग उसे सोच लेते हैं. नेक्स्ट वन इज़ जॉनाथन लिविंगस्टन सीगल. डू यू वॉन्ट टू नो मोर अबाउट योर पर्पस इन लाइफ? आर यू टायर्ड ऑफ पीपल्स कॉन्स्टेंट ओपिनियन ऑफ योर्स? और डू यू जस्ट वॉन्ट टू चेज योर ड्रीम्स? अगर इनमें से किसी का भी आंसर आपका येस है देन यू कैन पिक दिस बुक अप एंड रीड इट. बहुत ही छोटी बुक है एंड वेरी ब्यूटिफुल. इट विल टीच यू अ लॉट अबाउट लाइफ. इट्स बेसिकली अ फेबल दैट क्लोजली रिजेंबल्स अ सोसाइटी. नेक्स्ट वन इज़ द पावर ऑफ हैबिट. ये सबको पता है कि यू नो सब बोलते रहते हैं कि अच्छी आदतें डालो, हेल्दी हैबिट्स. बट ऐसा क्यों? लाइक हैबिट्स हमारा कैसे हेल्प करती हैं? एंड इट्स नॉट दैट कि बस हैबिट्स से आपको हेल्प मिलती है. लाइक वॉट इज़ द रीज़न बिहाइंड ऑल दोज थिंग्स? किस तरीके से हैबिट्स हेल्प करती हैं? तो इस बुक से आपको ये सब पता चलेगा. जैसे कि बहुत रिसर्च हुई है हैबिट्स पे, सो उसके बारे में बताया गया है. बट डोंट यू वरी, कुछ टफ लैंग्वेज नहीं है, बहुत ही सिंपल तरीके से सब कुछ एक्सप्लेन किया गया है इस बुक में. दिस बुक विल ऑल्सो टेल यू हाउ टू रिप्लेस ऑल योर बैड हैबिट्स विद द गुड वंस. बिकॉज जो हेल्दी हैबिट्स होती हैं वो पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लाइफ में बहुत ही ज़्यादा काम आती हैं. एंड इट्स नॉट जस्ट अ सेल्फ हेल्प बुक, ये एक बिजनेस बुक भी है. इसमें बहुत सारे बिजनेस केस स्टडीज भी हैं जिसमें बिजनेसेस ने सिर्फ अपने हैबिट्स चेंज करके सक्सेस पाली. सो यू नो दे आर प्रिटी फैसिनेटिंग. एंड जो भी लोग कुछ करना चाहते हैं लाइफ में, हेल्दी हैबिट्स आर ऑब्वियसली वेरी इंपॉर्टेंट. सो यू शुड पिक दिस बुक अप एंड रीड इट. एंड ऑल्सो ऑल द एंटरप्रेन्योर्स और wanting to be entrepreneurs, you should read this book because इसमें बहुत ही सारी amazing case studies हैं और उससे आपको बहुत ideas मिलेंगे. Next is As a Man Thinketh. Now this is a book about how thoughts influence your life. बहुत ही छोटी सी book है और पूरी wisdom से भरी हुई है and very very meaningful book. This book will teach you a lot. If you want to know how thoughts affect your life or how you can use them to your advantage, then you should read this book. Next one is The Boy, The Mole, The Fox and The Horse. Beautiful, beautifully illustrated book about life, friendship and other all the beautiful things. This is कुछ books होती है ना जो बहुत ही प्यारी सी होती है, books that warm your heart. This is one of those. Like और इतनी छोटी सी है that आधे घंटे में आप ये book पढ़ लोगे and you'll be left wanting more. आपका बिल्कुल बिल्कुल मन नहीं भरने वाला है. You'll be like इतनी छोटी book क्यों, हमें और पढ़ना था. So this is one of those. आप कोई भी अच्छा ये वाली जितने भी अभी मैंने बुक्स बताई हैं या फिर मैं आगे जो बुक्स बताने वाली हूँ, कोई भी बुक मत पढ़ना, ये ज़रूर पढ़ लेना. लाइक ट्रस्ट मी एंड रीड दिस बुक. लास्ट बट नॉट द लीस्ट वी हैव द एल्केमिस्ट. दिस इज़ अ स्टोरी अबाउट अ बॉय हु गोज आफ्टर हिज ड्रीम्स एंड देन हिज जर्नी देयर आफ्टर. बहुत ही इंस्पायरिंग और मोटिवेटिंग बुक है फॉर ऑल द ड्रीमर्स आउट देयर, ऑल द पीपल हु वॉन्ट टू अचीव समथिंग और ऑल द पीपल हु आर थिंकिंग बिग. This is the book for you. Okay guys, so these are all the self-help books that are actually worth reading. Description maybe I'll add the list along with their links. So if possible, buy the book from there. Also, if you liked it and if you know any of your friend or relative that you know who might gain help from these books, so share this video with them. And I hope you get the book that you want. I hope that book helps you. Thank you so much for being here and I'll see you in my next. Bye-bye.